तो दोस्तों जैसे ही मैं ताली बजाऊंगा ये फाउंटेन बंद हो जाएंगे। बंद हो गए, क्या बात है। आज इसे 300 साल पुराना एक ऐसा बगीचा जहाँ पर ताली बजाते ही हाथी की सूंड से निकलता है पानी, जहाँ कभी पुरुषों का आना मना था, और यहाँ पर अंदर का नजारा देखकर तो आप भी हैरान रह जाएंगे। सहेलियों की बाड़ी, इसको बनवाया था महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने, जिनकी एक डॉटर थी शकुंतला। उसको बारिश वाला एनवायरनमेंट काफी पसंद था, तो उन्होंने उसके लिए सहेलियों की बाड़ी को बनवाया। आगे फर्स्ट इसका ये पॉइंट है, इसका मॉन्यूमेंट, इसका नाम दिया गया है वेलकम फाउंटेन। जितने भी फाउंटेन आपको चलते हुए दिख रहे हैं इसमें, आज भी ये सारी चीजें ग्रेविटी से वर्क कर रही है। ग्रेविटी इसके पीछे का रीजन जो रहा है वो फतेह सागर लेक, यहां से कुछ मीटर की दूरी पे है फतेह सागर लेक, और फतेह सागर जो लेक है उसके लेवल से ये 80 फीट नीचे है। 80 फीट नीचे होने की वजह से यहाँ पे ग्रेविटी से एक प्रेशर जनरेट होता है, जितना भी फाउंटेन है सभी जगह। अच्छा। तो उसकी वजह से प्रेशर की पानी आता है, ये सारा बाहर फाउंटेन चलते हैं। और ये पाइप वगैरह ये भी सब, ये सारे 300 साल पुराने सारे पाइप, सारे कॉपर के बने हुए हैं। पाइपलाइन भी कॉपर की बनी हुई है, क्योंकि कॉपर पानी लगने से खराब नहीं होता। ये सारा मटेरियल, सारी चीजें उस समय में इंग्लैंड से इम्पोर्ट की गई थी। इसको बनने में 24 ईयर्स लगे थे, मतलब 1710 से लेकर 1734 इसके बीच में पूरा बन के कम्प्लीट हुआ था। ये सेकंड मॉन्यूमेंट है इसका, बिन बादल बरसात। इसमें जितने भी आपको ये फाउंटेन बीच में चलते हुए दिख रहा है, जो पानी वाटरफॉल हो रहा है, पानी गिर रहा है, उस समय का आर्किटेक्चर देखो आप, कहीं पे भी आपको पाइपलाइन नहीं दिखेगी इसमें, जो पाइपलाइन जो पानी के ऊपर ले जाती हुई हो, क्योंकि पाइपलाइन है वो पिलर्स जो हैं 7 से 8 पिलर्स हैं उनके अंदर पाइपलाइन को दिया हुआ है, और पाइपलाइन से पानी का प्रेशर जो ऊपर बर्ड बना हुआ है देखो, उस बर्ड तक जाता है, और बर्ड की जो चोंच है, चिड़िया की चोंच है, उस चोंच से भी पानी आता है। उस समय में जब रानियां वगैरह विजिट पे आते थे तो वहाँ पे रिन डांस प्ले करते थे, जहाँ से पानी गिर रहा है वाटरफॉल हो रहा है वहाँ पे रिन डांस प्ले करती थी, उस छतरी के अंदर, या छतरी के नीचे जो पानी गिर रहा है वहाँ पे स्विमिंग वगैरह करना हुआ, बेटी के लिए बोटिंग थी, यहाँ पे आर्टिफिशियल बोट थी। आइस क्लोज करते हैं तो एक साउंड सुनाई देता है, जैसे नेचुरल बारिश हो रही हो, बारिश वाले इन्वायरमेंट में खड़े हैं आप। उसको अकॉर्डिंग उसका नाम रखा है बिन बादल बरसात, यानी कोई बादल नहीं है ऊपर और नीचे बारिश हो रही हो, वैसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया पूरी तरीके से। कुछ यहाँ पे उस समय में जो संगीतकार थे वो भी बैठा करते थे, और जो रानियाँ थी, राजा थे, वो बैठ के भी देखा करते थे यहाँ पे। स्पेशली वुमेन्स के लिए बनी हुई जगह थी पूरी तरीके से, फीमेल्स के लिए थी, तो मेल पर्सन को अलाउ नहीं था यहाँ पे। जो मॉन्यूमेंट है उसका नाम लिखा है रासलीला, फ्लोक आर्ट, फ्लोक डांस, ये सारी चीज़ें होती थी यहाँ पे उस समय में, परफॉर्मेंस की जाती थी, गरबा वगैरह प्ले किया जाता था, वो एक्टिविटी होती थी सारे यहाँ पे। तो रानियाँ यहाँ पे वो देखने के लिए झरोखे बनाए हुए हैं, बालकनियाँ बनाई हुई हैं, मतलब यहाँ पे रानियाँ बैठती थी, बैठ के देखती थी की और ये मलेशियन पाम है जो बाद में अपडेट किए गए यहाँ पे, तो वो देखने के लिए थे, झरोखे बने हुए जो देखने के लिए थे, मॉन्यूमेंट पे सीधा देख सकती थी। कमल तलाई है, कमल तलाई स्पेशल है अपने आप में यहाँ पे, स्पेशल इसलिए यहाँ पे स्पेशल बनाते हैं इनको, ये एलिफेंट, एलिफेंट जितने भी एलिफेंट है सारे सिंगल स्टोन से बने हुए एलिफेंट है, संगमरमर के बने हुए हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में कहते हैं, जो एलिफेंट है उसकी सूंड से जो पानी निकलता है वो सामने लायन बना हुआ है, उस लायन को टच करता है, तो उस समय में राजा यहाँ बैठे बैठे ही पता लगा लेते थे फतेह सागर लेक है, उसमें पानी का लेवल कितना भरा हुआ है। अच्छा। उस लेवल का अंदाजा यहाँ पे लगा लेते थे वो। बिल्कुल, मतलब अगर ज्यादा पानी होता तो इसकी सूंड का जो पानी है लायन को टच वो लायन को टच करता था। और झरोखे बने हुए हैं, सर जगह झरोखे बनाए हुए हैं जहाँ से रानियाँ देखा करती थी नीचे, यहाँ पे घूमर डांस वगैरह होती थी, परफॉर्मेंस होती थी। अच्छा सर, हमने सुना है कि यहाँ पे ताली बजाने से, हाँ मैं बताऊंगा कुछ, एक हाँ मैजिकल फाउंटेन कह सकते हैं, मैजिकल फाउंटेन शुरू से चलता हुआ है। कहते हैं बेटी के लिए यहाँ पे ये एक उनके द्वारा एक टेक्नोलॉजी दी गई थी, बेटी की क्लैपिंग पे, और ये फाउंटेन बंद होते हैं बेटी की क्लैपिंग पे चालू होते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ मैजिकल फाउंटेन कैसे वर्क करते हैं। हाँ, 3 टाइम क्लैप करना है, करो वापस करो क्लैप, ये बोलते हैं मैजिकल फाउंटेन। क्या बात है। तो दोस्तों जैसे ही मैं ताली बजाऊंगा ये फाउंटेन बंद हो जाएंगे। 3 टाइम यस, बंद हो गए, क्या बात है। तो सर यहाँ ये क्या तकनीक हुआ करती थी, थोड़ा वो भी हमें बताएंगे। ये मैं बताऊंगा, बट इसके बारे में आप सस्पेंस रखे तो बेटर रहेगा इसके लिए। तो जी जी जी, इसको सस्पेंस रखना चाहिए मेरे हिसाब से। दोस्तों आगे की ओर अब हम इस चौक में आ गए हैं। इसको कहते हैं सावन भादो, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया गया जहाँ पे 2 मंथ ऐसे होते हैं, सावन का मंथ, भादवे का मंथ, जहाँ पे कंटिन्यूसली बारिश होती है उस मंथ में। और यहाँ पे एक आपको एक साउंड सुनाता हूँ, यहाँ पे जो एक डिफरेंट सी साउंड आएगी जी। आप अपने दोनों हाथ उठाइए और जो ईयर है अपना, कान है, उनके आगे लगाइए, आगे। यस, अब एक साउंड को फील कर सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे पानी अपने ऊपर गिर रहा है, बारिश आ रही हो, नेचुरल साउंड जो बारिश की आती है। बिल्कुल, आगे की वॉइस गुम हो जाती है और पीछे की जो वॉइस है, इन पेड़ पौधों की पत्तियों पर जो वॉइस है, वो एक मैजिकल वॉइस हमें सुनाई देती है, जैसे हम खुद भीग रहे हैं, हमारे छाते के ऊपर पानी गिर रहा है। यस, लाजवाब बिल्कुल।